अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 26 रजब है और कल 27 रजब है। 27 रजब को एक रोजा रखा जाता है और उस रोजे का नाम है हजारी रोजा। इसकी फजीलत भी बताई जाती है, लोगों के सामने इसकी फजीलत भी बयान की जाती है और फरमाते हैं कि इस रोजे का मतलब ये है कि एक रोजा रखो 27 रजब को और आपको 1000 रोजों के बराबर सवाब मिलेगा। यानी एक रोजा रखने से 1000 रोजों का सवाब आपको मिलने वाला है, ये फजीलत बताई जाती है। सोशल मीडिया के ऊपर ये वीडियो बड़ी शेयर होती है, एक दूसरे को ये वीडियो शेयर की जाती है और इस रोजे को रखने की तलकीन की जाती है। देखिए, हम जो रोजा रखते हैं उसका एक मकसद होता है, वो मकसद ये होता है कि इस रोजे का हमारे नबी ने हुक्म दिया है हमें, इसलिए हम इस रोजे को रख रहे हैं। या यह है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो रोजा रखा है, जैसे प्यारे नबी ने पीर का रखा है, जुमेरात का रखा है, इसी तरह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 मुहर्रम अल हराम का रोजा रखते थे। तो ये वो दिन है जिसमें हमारे नबी ने रोजे रखे हैं, या वो रोजे जो फर्ज हैं जो रमजान अल मुबारक में होते हैं, ठीक है, तो ये रोजे रखे जाते हैं। या कोई नफली रोजा आप रख रहे हैं, दिन की कोई कैद नहीं है, कोई मसला नहीं, आप रखें, ठीक है। तो रोजा हम इसलिए रखते हैं कि हमारे नबी ने वो रोजा रखा है या हमारे नबी ने उस रोजे को रखने का हुक्म दिया है। अब ये जो 27 रजब का जो रोजा है जिसको हजारी रोजा कहा गया है, इसको ना हमारे नबी ने रखा है, ना इसके रखने का हुक्म दिया है, और ना सहाबा की जिंदगी से ऐसा कोई हमें हुक्म मिलता है कि जहां पर 27 रजब का रोजा रखा गया हो। इसका मतलब यह हुआ कि शरीयत के अंदर ये एक नई चीज है जो हम लोगों ने पैदा कर दी है। और आप जानते हैं कि शरीयत के अंदर किसी नई चीज का पैदा कर देना ये बिदअत है, ये बिदअत है और इसका बड़ा सख्त गुनाह है। फरमाया कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, कि हर नई चीज शरीयत के अंदर कोई भी नई चीज पैदा कर देना ये क्या है, गुमराही है, और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली है, दोजख में दाखिल करने वाली है। इसलिए शरीयत के अंदर जो चीज पहले से नहीं है उसको वजूद दे देना, उस चीज का उसमें पैदा कर देना, उसको शरीयत का एक जुज मान लेना, सबसे बड़ी बात यह है कि उसको हजारे रोजे को बाकायदा उसकी फजीलत बताई जाती है। तो ये एक नई चीज हो गई जिसको पहले से नबी अलैहिस्सलाम ने बयान भी नहीं किया, सहाबा ने उसको नहीं बयान किया, लेकिन हमने अपनी तरफ से उसको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो अगर आप ये रोजा रख रहे हैं तो ये आपके लिए हजारे रोजा रखना बिल्कुल भी सही नहीं है। नफली रोजा आप किसी भी दिन रखें, कोई दिन मुतय्यन नहीं है, आप जिस दिन चाहें उस दिन नफली रोजा रख सकते हैं, लेकिन किसी रोजे को फजीलत दे देना और उसकी फजीलत बयान करके रोजा रखना और शरीयत के अंदर ऐसा ना हो तो ये बिदअत कहलाता है, इसका सख्त गुनाह होता है। इसलिए वीडियो को शेयर करें, इस्लामी भाइयों तक पहुंचाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।